अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मटन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी और लजीज बन के तैयार होती है। तो चलिए हम फटाफट से बना लेते हैं मटन टिक्का बिरयानी। चलिए फ्रेंड्स, मटन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटन को मैरिनेशन करना है। ये देखिए, मटन मैंने 700 ग्राम ले लिया है और इसके इस तरीके के बड़े बड़े पीस है। इसमें एक दो हड्डी ये भी पीस है, कोई बात नहीं, वो भी उससे बहुत ही अच्छी हमारी बिरयानी बनेगी। तो 700 ग्राम मटन ले लिया है, इसको हमको मैरिनेशन करना है। मैरिनेशन करने के लिए हमने सूखे पाउडर मसाले, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, एक टेबल स्पून मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, एक टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और दो टेबल स्पून मैंने चिकन तंदूरी मसाला पाउडर लिया है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। एक ही टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, नमक स्वाद के अनुसार लिया है और क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और मैं एक टेबल स्पून में डालूंगी जीरा पाउडर, ये भी इसमें जाने वाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। ये देखिए इस तरीके से ये मिक्स करके हम मटन में डाल लेंगे। हमको मटन को मैरिनेशन करके 1 घंटे के लिए भिगाना है। ये देखिए, सारे सूखे पाउडर मसाले हमने डाल देना है। और ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और ये 1 लेमन जूस है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। ये करीब 100 ग्राम के करीब दही है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने, ये देखिए, 1 टेबल स्पून भर के मैंने पपीते का पेस्ट लिया है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। ये हमारे मटन को गलाने का काम करेगा और इसको हम अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले डाल के हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मटन को। ये रेड फूड कलर है, ऑप्शनल, आपको नहीं डालना तो ना डाले। ये देखिए मैंने डाला, इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करके 1 घंटे के लिए कवर करके मैरिनेशन करके रख दूंगी। और जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, हमारा मटन मैरिनेशन होता है। मिलते हैं 1 घंटे में। ये 1 घंटा हो गया मटन को अच्छे से भीगते हुए। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। ये टिक्का, इसके लिए हम फ्राई करना है। पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है 4 से 5 टेबल स्पून। अच्छा, और इसको अच्छा हॉट गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये मटन के पीसेस डालेंगे। ये कुछ तेज गर्म होगा, उसमें हम ये पीसे डाल देंगे। सारे पीसों को हम इसी तरीके से बिल्कुल हाई हीट पे फ्राई करेंगे। अगर हम लो फ्लेम पे करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा और उसका मसाला सब निकल जाएगा। हमको हाई हीट पे ही इसको इस तरीके से फ्राई करना है, इस तरीके से। इस तरीके से फ्राई करके हम इसको फिर पलट देंगे 5 मिनट में। अब हम टिक्कों को पलट लेते हैं इस तरीके से, बिल्कुल ब्राउन से इसमें लॉक्स आ जाने चाहिए। देखो इस तरीके से पलट के हम इधर से भी इसको सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे इसमें एक डार्क पाउड आ रहे हैं, बस हमको ऐसे ही चाहिए थे। तो इस तरीके से हम 3 से 4 मिनट इधर भी इसको हम फ्राई कर लेंगे टिक्कों को। देखिए बस इधर से भी फ्राई कर लेंगे। अब देखिए गैस हमें बिल्कुल ऑफ कर दिया है। अब इसमें हम ये कोयले रख देंगे। ये देखिए, बारिश हो तो रही, बड़ा मुश्किल से कोयले कहते हैं। अब इस वक्त इसमें हम झुंगाल करके इसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, इसको हम कवर कर देंगे। इसके अंदर इसको हम रहने देंगे 5 से 7 मिनट। फिर हम बताते हैं। देखिए प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है, मखनी बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने ये 3 मीडियम साइज की प्याज को मैंने इस तरीके से फ्राई करके निकाल लिया, बिरस्ता बना लिया मैंने। बिरस्ता तैयार हो गया हमारा। इसके बाद मैंने करीब 250 से 300 ग्राम बेबी पटेटो से लिए हैं, उनको 2 सीटी लगा ली प्रेशर कुकर में, मतलब थोड़ा 80% ही मैंने उनको गलाया है। और उनको छिलके इस तरीके से उनको भी मैंने फ्राई कर लिया। ये देखो तेल के अंदर, ये ऑप्शनल, अगर आप ना डालना चाहे तो ना डालें, मगर इसके बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको, खासकर टिक्का बिरयानी में।
तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसकी अखनी की तैयारी करेंगे। इसको हमने 80% हमें कुक कर रहे हैं ताकि बाकी भी हमारी बिरयानी जब दम होगी इसमें ये अच्छी तरीके से और भी गल जाएंगे। ये बेबी पटेटो तो बहुत अच्छे लगते हैं बिरयानी में। चले अब ये तेल के अंदर हम खड़ा गरम मसाले डालते हैं इस तरीके से। ये 3 से 4 तेज पत्ते हैं, 8-10 काली मिर्ची है, 3 हरी इलायची है, 4-5 लौंग है, तो 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायची है, ये डाल देंगे इसके अंदर। और ये प्याज मैंने ली है, 2 बड़ी साइज की प्याज ली है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे, अच्छी दाल को गोल्डन फ्राई करेंगे प्याज करे थे। ये देखिए हमारी प्याज बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई, हमको इस तरीके से डार्क ही चाहिए थी। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। देखिए और उसके साथ ही हम पाउडर मसाले डाल देंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1 ही मैंने धनिया पाउडर लिया 1 चम्मच, 2 चम्मच भर के मैंने बिरयानी मसाला लिया है। मैंने शान का लिया, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। नमक मैंने थोड़ा कम लिया क्योंकि हमने टिक्कों में भी नमक डाला है, नमक 1/2 चम्मच से भी कम है। और 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1/2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया। ये मसाले भी हम इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और ये टमाटर की प्यूरी बनी है मैंने, करीब 3 टमाटर लेके इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको जब तक कि तेल नहीं आ जाता ऊपर, जब तक हम भुनेंगे। और ये टिक्को का मसाला जो हमारा बचा था इस वक्त, ये भी हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए ये सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम भुनेंगे जब तक कि हमारा तेल ऊपर नहीं आ जाता। चलिए फ्रेंड्स, ये मसाला हमारा अच्छे से भुना गया है। अब इस वक्त इसमें हम 200 ग्राम दही डाल देंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी अखनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इस वक्त हम इसके अंदर हमने जो मटन फ्राई करके रखा टिक्के का, ये भी हम इस वक्त इसमें डाल देंगे। ये देखिए जो हमारा फ्राई करा हुआ मटन है, ये बहुत अच्छे से गल चुका है, एकदम टेंडर हो गया। ये अलग, इसको मैं प्रेशर कुकर नहीं करूँगी, बस इसी में 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और ये सारा मटन हमें इसी में डाल दूँगी। हमने पपीता लगाया था, 1 घंटे के अंदर ही हमारा, क्योंकि ये बकरे का मटन है तो जल्दी से गल गया। अगर आपका ना गले तो आप इसको 2 से 3 सीटी लगा सकते हैं। ये देखिए इसको 5 फ्लेम पे मैं अच्छे से चला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए क्योंकि मटन मेरा अच्छी तरीके से गल चुका है। और इस वक्त ये जो मैंने आलू रखे हैं ये भी मैं इसी में डाल दूंगी ताकि इसमें भी थोड़ा मसाला चढ़ जाए। ये देखिए बस ये अखनी हमारी बहुत ही अच्छी तैयार है। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर देंगे, 5 मिनट के लिए हम इसको खुला ही पकाएंगे। सही बनता है जब तक हम चावल के बॉईल कर लें। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। ये 1 किलो चावल मैंने इसको अच्छे से मैंने भिगा दिए थे करीब 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि ये फॉर्चून राइस चावल है, फॉर्चून बासमती राइस है, इसको ज़्यादा भिगाना नहीं पड़ता, ये कच्चे चावल है। इसके लिए 15 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं पकाने के लिए। पानी भी मेरा बॉईल हो गया। ये देखिए 3-4 मैंने जावित्री की पत्तियाँ लिए हैं, 4 इलायची हरी इलायची है और सिनेमन स्टिक के टुकड़े हैं, ये हम इस पानी में डाल देंगे। और 4 बड़े चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर और 1 ही नींबू का जूस डालेंगे और ये डाल देंगे हम हमारे चावल और इनको भी हम अच्छे से 80% इनको हम बॉईल कर लेंगे। बहुत जल्दी ये कच्चे चावल है इसके लिए बहुत जल्दी इसको संभालना पड़ते हैं। बस 80% कुक करके हम इसको
अच्छे से चला लेंगे और हाई फ्लेम पे इसको तेज होने देंगे और करीब थोड़ा सा एक दो टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डाल देंगे। अब इसको 80% पे हम चले हम तेज जमा लेते। देखो अखनी हमारी अच्छी सी बढ़िया तैयार है। इस वक्त इसमें हम दो तीन बूंदे केवड़ा वाटर की डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आ जाएगा। बस ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। देखिए इतनी ही हमारी ग्रेवी ऐसी इस तरीके की होना चाहिए, एकदम ड्राई की नहीं होना चाहिए। देखिए मटन मेरा बहुत अच्छा गल गया माशाल्लाह। अब हम अखनी बना लेते, तेज जमा लेते। ये देखिए ये पैन ले लिया है मैंने। अब इसमें हम सबसे पहले थोड़े चावल डालेंगे। देखिए कितने वाइट खिले खिले चावल हमारे बने हैं। ये देखिए अब इसमें हम ये अखनी डालेंगे इस तरीके से। थोड़े आलू भी जाने देंगे, मसाला भी। अब इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी पुदीना मिक्स करेंगे और फिर से चावल डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से फैलाएंगे, थोड़े से चावल और डालेंगे इसमें। इस तरीके से इसको हम फैला लेंगे। अब इसमें हमने जो ये रस्ता रखा था थोड़ा ये रस्ता डालेंगे। ये देखिए उसमें पुदीने के लिए डाल देंगे। ये हरी मिर्ची की तो मैं छोटे छोटे काट के रखी, ये भी डाल देंगे। अब इस तरीके से हम दूसरे लेयर भी लगा देंगे। ये देखिए मसाला जिसे अब फिर से हम थोड़े चावल डालेंगे। इसमें जायफल का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। सॉरी जावित्री के फूल जो हमने डाले हैं उसको फिर बहुत ही अच्छा इसमें बॉईल करने में डालते हैं तो फ्लेवर आ जाता है। फैला लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा भी रस्ता डालेंगे, जितने आपको लिए जमाना हो जमा सकते हैं। ये देखिए मसालेदार हमारी बिरयानी बन गई है। मटन माशाल्लाह बहुत अच्छा गल रहा है। अच्छे से सारा मसाला इसमें हम डाल देंगे। अभी आखिरी लेयर चावल की हम लगा देंगे। देखिए जी अच्छे से हमारी चारों तरफ से लेयर लग गई। फिर से हम इसमें प्याज डालेंगे। कुछ ही पुदीना डाल देंगे, हरी मिर्ची के टुकड़े डाल देंगे। और ये रेड ऑरेंज मैंने फ्रूट कलर पानी में घोल के रखा है, ये थोड़ा सा हम डाल देंगे और इसको हम कवर कर लेंगे। चलिए
ते हमें हमने जमा ली है। ये देखिए पूरी ते हमारी अच्छे से जम गई है। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया। अब इसमें हमें 1 टेबलस्पून साजीरा डाल देंगे। ये देखिए ये साजीरा का बघार हम ऊपर से कर देंगे। आप घी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ घी नहीं खाता, इसके लिए मैं घी नहीं डाल दूंगा। ये देखिए अब इसको हम एल्यूमिनियम फाइल से इस तरीके से कवर कर देंगे ताकि हमारी स्किन बाहर ना जा पाए। देखिए अच्छे से कवर करके इसको हम दम पे लगा देंगे। मैंने तवा पहले से ही रख दिया हाई हीट पे, बिल्कुल अच्छे से मेरा तवा हो गया है। मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल पैक कर देंगे ताकि स्टीम इसी में रहे, बहुत अच्छे से गर्म है। अब इस पे हम इसको रख देंगे। देखिए इसको करीब हम 10 मिनट इसको हाई हीट पे अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और इसको हम पकने देंगे 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट के बाद इसको हम इसी की स्टीम में छोड़ के फिर खोल के हम आपको बताते हैं। चलिए मिलते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बिरयानी का गैस बंद करे हुए हम देखिए 20 मिनट पका के फिर 5 मिनट हुए गैस बंद करे हुए। देखिए माशाल्लाह बहुत ही गर्म गर्म बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन बिरयानी बनके हमारी तैयार हुई टिक्का बिरयानी। ये देखिए आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। चावल भी एक एक हमारा खिला खिला है। ये देखिए मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ये देखिए बोटी भी बहुत अच्छे से गल गई है। ये देखिए बिल्कुल टूट रही है। मैं आपको डिश आउट फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी हमारी ये देखिए बेहतरीन सी हमारी टिक्का बिरयानी तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए मसाला भी मसालेदार है और हमारी रोटियाँ भी इसमें अच्छे से गल गई है। ये देखिए बिल्कुल बिखर रही है टूट के ने। बहुत ही प्यारी डिश बन के तैयार हुई है बिरयानी की। आप भी इसको ज़रूर ज़रूर से बनाइएगा, खाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी डिश पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।